नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। क्रिकेट के बादशाह और बीसीसीआई चीफ सौरव गांगुली के पश्चिम बंगाल की राजनीति में उतरने की अटकलें अब तेज हो गई। पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली ने रविवार को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की थी और आज वो दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ स्टेज शेयर करेंगे। रविवार की मुलाकात को राजभवन ने महज औपचारिक बताया था, लेकिन इस मुलाकात को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं और उनके बीजेपी में एंट्री के कयास भी लगाए जाने लगे हैं। दरअसल राज्यपाल जगदीप धनखड़ लगातार पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं और प्रदेश की कानून व्यवस्था को भी सवालों के कटघरे में खड़ा किया है। इसी बीच सौरव गांगुली सोमवार को कोलकाता से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। आज दिल्ली में DDCA के एक इवेंट में शामिल होंगे और इस इवेंट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। दरअसल आज कोटला मैदान में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की प्रतिमा का अनावरण होना है। इस कार्यक्रम में सौरव भी मौजूद रहेंगे। ये पूछे जाने पर कि क्या उनकी अमित शाह के साथ कोई बात होगी, सौरव गांगुली ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल सियासी गलियारों में सौरव गांगुली के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें काफी समय से लगाई जा रही हैं, लेकिन खुद सौरव गांगुली ने औपचारिक तौर पर कभी इस बारे में कुछ नहीं कहा और न ही इस खबर का खंडन किया। अब इससे अटकलें और भी तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पुत्र जय शाह के साथ पदाधिकारी बनने के साथ ही बीजेपी उन पर नजर बनाए हुए है। दूसरी ओर 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बंगाल आने का कार्यक्रम है। उनका हावड़ा में कार्यक्रम करने का भी एक प्रोग्राम तय है। इस दौरे के दौरान कई विशिष्ट लोगों के बीजेपी में शामिल होने की भी संभावना जताई जा रही है। सौरव गांगुली के बीजेपी में शामिल होने के सवाल पर पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी में जो भी सम्मानित व्यक्ति आएगा उसका स्वागत करते हैं। यानी बंगाल की राजनीति में अब दीदी को मात देने के लिए बीजेपी दादा को आगे कर सकती है और अगर ऐसा होता है तो पश्चिम बंगाल की राजनीति वाकई दिलचस्प होने वाली है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।